यूएम खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पहुंचे श्री मुक्तसर साहिब। अगर हाईकमान ने टिकट दिया तो हर हाल में विजयी होने का किया दावा। खुद के हाथों से बनाई चाय की ली चुस्कियां। एसटीएफ की नशा विरोधी मुहिम को बताया कारागर। पंजाब सरकार के युवा एवं खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी आज श्री मुक्तसर साहिब में पहुंचे, जहां कांग्रेस कमेटी के जिला प्रधान हरचरण सिंह बलार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चुनावी आचार संहिता लागू होने के चलते कांग्रेसी लीडरशिप की कर्तक के बावजूद इस समागम में कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचे। यहां राणा सोढ़ी ने जलालाबाद रोड पर एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इस पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी तो पूर्ण है, अगर हाईकमान ने मौका देगी तो हर हाल में विजयी होंगे। इस करके नहीं भी 35 साल हो गए ने, हर दिन लोग चाहते ने इतों दे भी आज की कांग्रेस पार्टी दी जो है जो नीतियां ने जो कांग्रेस पार्टी दी लीडरशिप है कैप्टन साहब दे राही लोग पसंद कर रहे हो चाहते ने भी कांग्रेस पार्टी सीट जीते। श्री मुक्तसर साहिब तरसेम डूडी PSS समाचार।